अनकरीब ही दीपावली का शुभ अवसर सामने आने वाला है। जनता कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त है। महंगाई जो है कमर तोड़ने वाली महंगाई देश भर में मची हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम ले लिया जाए, सब्जियों के दाम ले लिया जाए, रसोई तेल के दाम ले लिया जाए, रसोई गैस के दाम ले लिया जाए, मगर कहीं ना कहीं कुछ समाज सेवक ऐसे हैं जो ऐसे वक्त में लोगों की दीपावली शुभ करने के लिए और खुशमय करने के लिए, मीठी करने के लिए जो है एक कार्य करते हैं। जिस तरीके से गरीब गोर गरीब जनता है उनके बीच में इस तरीके का जो अनाज का जो है वितरण करते हैं। इस समय हमारे सामने हीरा देवासी जी हैं जो के मलबार हिल विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और अभी इस समय जो है पूरे मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र में वो जो है अनाज जिस तरीके से रसोई तेल है या शक्चीनी है इस तरीके की चीज़ों का वितरण कर रहे हैं ताकि लोग सुख शांति के साथ में दीपावली का शुभ अवसर मना सके। आप देख सकते हो यहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़ी महिलाएं सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हीरा जी, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि लोगों में इस तरीके का अनाज का वितरण करना चाहिए दीपावली के शुभ अवसर पर? नहीं, मेरे मन का विचार तो काफ़ी विचार आते हैं, लेकिन हम फिलहाल क्या है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे लॉकडाउन में हमने पिछले दो साल में कम से कम 18,000 टन माल बांटा है। यहाँ पे मैं कम से कम ये चौथी या पांचवी बार आ रहा हूँ। हम ठंडी में ब्लैंकेट भी दिए थे, राशन भी दिए लॉकडाउन में इधर, और दीपावली के हर टाइम मैं शिवाजी नगर में आता हूँ। शिवाजी नगर ने पूरे मलबार हिल में हमारा डोर टू डोर कैंपेन चालू है ये इसका, और मैंने इससे पहले मैंने डोर टू डोर 38,000 ब्लैंकेट भी बांटे मलबार हिल में। मैं मेरी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पहला कोई बंदा है जो डोर टू डोर घर जा रहा है। बाकी पार्टियाँ कोई 200 रुपये ले रही है, कोई 180 रुपये लेके दे रहे हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस की तरफ से ये मुफ्त। हीरा देवासी जी, अगर मैं बात करूं यहाँ के विधायक हैं जो मंगल प्रभात लोधा जी जो कि विधायक हैं, उनके विधायिका में आता है, उनके विधायक क्षेत्र में आता है ये शिवाजी नगर इलाका, तो उनकी तरफ से या उनके पक्ष की तरफ से किसी किस्म की मदद जनता को की जा रही है? देखिए, ये चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये चीज़ तो आपको जनता अच्छे से बताएगी। जैसे मेरे साथ में खड़े हैं सुरेश जी, कोकाड़े जी, आप इनसे पूछ लीजिए, जनता से पूछिए। मैं तो मेरी तारीफ ही करूँगा ना, आप जनता से पूछिए कि मैंने तो खाली उनको इलेक्शन में देखा था, इलेक्शन के टाइम कैंपेन में लोढ़ा साहब को देखा था, उसके बाद अब तक नहीं देखा है। आपने सर सुरेश जी का जिक्र किया, सुरेश जी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप इस क्षेत्र के हैं, लोकल है, रहवासी हैं, तो आप ये बताइए सर कि क्या यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल विधायक हैं क्या वो यहाँ लोगों की समस्याएं सुनते हैं या आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए? आज तक तो मेरे ख्याल से आए नहीं या मुझे कहीं दिखे नहीं है, लेकिन पहली बार मैंने कौन सा नेता अगर देखा है तो हीरा भाई देवाशी के रूप में देखा है, जो लॉकडाउन के समय हर मौके पे उन्होंने यहाँ कुछ ना कुछ गोर गरीबों के लिए किया है और करते रहते हैं। तो मैं इधर उधर की बात ना कहते हुए मैं सिर्फ हीरा देवांशी जी को ही बधाई देना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल के समय हम ही आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हीरा जी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपके समर्थन में हम रहेंगे क्योंकि आपको ही इन्होंने देखा है। हीरा जी, मैं अगर जनता की समस्या जानना चाहूँ, जिस तरीके से महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, रसोई तेल से लेकर गैस का फिर से दाम बढ़ने वाला है, अलग अलग नियम लाए जा रहे हैं, अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं, तेल का भाव ले लिया जाए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भाव ले लिया जाए, सारी चीज़ों का भाव जो है आसमान छू रहा है, केंद्र की सरकार है कि किसी भी तरीके से कोई भी इसका समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है, सर आपको क्या लगता है सामान्य जनता किस हद तक इसे बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, जनता भी जितना बर्दाश्त करना था इतना कर चुकी है, अब वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है, आने वाले इलेक्शन में उसको उठा के दिखा देंगे कि जनता क्या चीज़ है। और जो 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 इन्होंने वादे किए थे वो सारे झूठे वादे किए, आज हमको बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको क्या बोला, आप मलबार हिल में मुझे पूछोगे तो मैं मेरी तारीफ़ ही करूँगा, आप जनता में जाइए, जनता से पूछिए। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया सुरेश जी ने, तो यहाँ पे मैं पिछली 5 बार आया हूँ, तो मैंने पूरे मलबार हिल में मैं घूम रहा हूँ डोर टू डोर, मैंने तो कहीं विधायक का सुना नहीं है, 3 साल में कहीं विधायक किसके यहाँ गया नहीं, ना डोर टू डोर गया, 3 साल होने को आ रहा है इलेक्शन को, लेकिन कहीं दिखा नहीं।
ये आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ की जनता, लोकल जनता बोल रही है। आप वो जनता से भी आप रिव्यू ले सकते हो, उनसे भी आप पूछ सकते हो। हीरा जी, अगर मैं महानगर पालिका के चुनाव की बात करूँ, महानगर पालिका का अनकरीब चुनाव होना है, चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीख तय हो चुकी है, सर किस तरीके की तैयारियाँ जो है मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र में देखी जा रही है? क्योंकि एक तरफ से कहा जाता है कि मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र जो है बीजेपी का गढ़ है, तो कांग्रेस इस गढ़ में किस तरीके से सेंध लगाएगी? मैं बेशक आपकी बात को मान रहा हूँ कि पिछले 25 साल से हमारा नगर सेवक नहीं है, एमएलए नहीं है, लेकिन हमारे हाईकमान के नेता हैं, उन सबसे काफ़ी हमारी डिस्कस भी हुई है, और ये साल आप देखिए आपको 100% चेंजिंग मिलेगा। ये मलबार हिल में ही कांग्रेस की सारी सीटें आएंगी नगर सेवक की, आप देख लेना। मैं आपसे जिस दिन चुनाव होगा ना, उसके नेक्स्ट डे आप वापस आपसे इंटरव्यू दूंगा, ये टाइम आप चेंज देख लेना कितना चेंज होगा मलबार हिल के अंदर। सर, आपकी कोई रणनीति है चुनाव लड़ने की महानगर पालिका का? नहीं, मेरी रणनीति महानगर पालिका चुनाव लड़ने की नहीं है, क्योंकि सब चुनाव अगर मैं ही लड़ने जाऊंगा तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? नहीं, जनता को आपसे कहीं ना कहीं एक आशा है कि अगर आप जीत के आते हैं, चाहे किसी भी पद से आए, मगर उस पद की आप गरिमा रखोगे और जनता की सेवा करोगे। नहीं, जनता ने मेरे को हर जगह पे जहाँ जहाँ गया मुझे प्यार मिला, उन्होंने बोले कि आप नगर सेवक का चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने उनको बोला है कि जरूरी नहीं कि नगर सेवक लड़के चुन के सेवा की जाती है, सेवा तो नॉर्मल भी की जाती है, जरूरी नहीं कि एमएलए एमपी बन के सेवा की जाती है। अगर आपके दिल में है सेवा करने का जज्बा, तो आप सेवा कभी भी कर सकते हो। मैं पिछले 20-22 साल से सेवा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ा था, मेरे दिल में था सेवा करने का। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता बहुत हैं, जैसे पिछले महेश गवली पिछले 35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, ये हमारे रवि आमरे साहब हैं जो 30 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, जैसे 215 में कोहली फैमिली हैं, ऐसे हैं जो बरसों से सेवा कर रहे हैं, उनका हक है नगर सेवक के इलेक्शन में। नरवनकर जी, आप नगर सेवक हैं, आप चुने गए महानगर पालिका डी वार्ड से, आपको जनता ने भारी समर्थन दिया, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आज आप अतिथि के रूप में यहाँ पे आए हैं, ये प्रोग्राम को देख के, जनता का उत्साह देख के आपको क्या लग रहा है? हमारे जो मुंबई कांग्रेस के सेक्रेटरी है हीरा साहब, उनकी एक खासियत लगती है कि इलेक्शन के में कुछ मतों से गिरने के बाद भी तुरंत दूसरे दिन ये काम पर लग गए, और ये उनकी ये फोर्थ या फिफ्थ टाइम है यहाँ लोगों को मदद के लिए आगे आने का, और पूरे वो निःशुल्क और निस्वार्थ के ढंग से कर रहे हैं, तो वैसे मुझे भी उसके देख के स्फूर्ति मिलती कि हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो छोटे पैमाने पर कर रहा हूँ, उनकी तुलना नहीं करते, विधायक के रूप में थे मलबार हिल के, मैं नगर सेवक हूँ, उनसे भी मुझे स्फूर्ति दिशा मिलती है, और वो कर रही है। आपने देखा, आप भी विटनेस थे कोरोना पीरियड में, हर घर घर में जाकर हमने अनाज बांटा है, उनके मोहरम के टाइम में जा बांटा है, जो पीड़ित थे कस्तूरबा में बोलो, नायर में बोलो, वहाँ जाके साफ सफाई करना, लोगों को एडमिट करना, क्वारंटाइन करना, हर चीज़ का मौका मिला। इन लोग जैसे बड़े नेता है हमारे, जैसे ये है हमारे साहब भी बोलो, गौरी बोलो, ये महाराष्ट्र लेवल के, मुंबई के बड़े लेवल के लोग हैं हीरा जी, वो दिखा रहे हैं मार्गदर्शन, उस पर हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना, ये थे जो हीरा देवासी जी हैं, और जो स्थानीय नगर सेवक जो डी वार्ड से नगर सेवक हैं, उन्होंने भी कहा। मेरा सवाल था, क्या चुनाव में हीरा देवासी खड़े होंगे? क्योंकि लोगों का जिस तरीके से हुजूम और समर्थन उन्हें देखा जाता है उनके प्रति, तो उसको देखकर मेरा सवाल था, क्या नगर पालिका में वो खड़े होंगे? तो उनका जवाब था कि चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है, बिना किसी नेता के पद के, बिना किसी पोस्ट के, मैं जो मदद कर रहा हूँ जनता को, उसी से मुझे शांति मिलती है। मेरा सवाल था, विधानसभा क्षेत्र जो है मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो कहाँ है? क्या वो जनता के बीच में नहीं आते हैं? दीपावली जैसा शुभ अवसर है, कई सारे गोर गरीब ऐसे हैं जिनके घर में दिया जलाने के लिए तेल तक मयस्सर नहीं है, ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम जो है स्थानीय नेताओं का होता है, मगर वो नेता कहीं ना कहीं नदारद नज़र आते हैं, और हीरा देवासी जैसे लोग जो है जनता के बीच में आते हैं और उनका भरोसा जीतने का काम करते हैं। कैमरामैन साकविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।